off the light. I am getting so sick and tired of atheist hypocrisy, you know? I'm losing my patience with them and their double standards and their hypocrisy. I mean, it's amazing. Sometimes you have to ask yourself, are they making this up on purpose, or are they purposely that two-faced? एक गैर मुस्लिम है और इंडिया से उर्दू जानते हैं समझते हैं. उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या इस्लामी रियासत में हमें अपने मजहब की तबलीग की और अपनी इबादतगाहों की तामीर की इजाजत होती है. अगर होती है तो फिर सऊदी अरेबिया में और दूसरे इस्लामी मुल्कों में चर्च बनाने की परमिशन क्यों नहीं मिलती जबकि आप मुसलमान लंदन और पेरिस में अपनी मस्जिदें बनाते हैं. चंद इस्लामिक मुल्कों में मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया एटसेट्रा में propagation of any other religion is prohibited. Even construction of any place of worship is also prohibited. और इसमें कई कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि हम जब आपको अलाउ करते हैं हमारे कंट्री में पाते यूरोप में आते हैं अमेरिका में आते तबलीग करते मॉस बनाते तो हमें क्यों नहीं परमिशन है. इसका मैं सिंपल सवाल पूछता हूं उन्हें कि मैं गैर मुस्लिम से ये पूछता हूं अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और अगर आप मैथ टीचर चुनना चाहते हैं और तीन टीचर आते हैं एक टीचर से आप और सवाल पूछ रहे दो जमा दो कितना. पहला टीचर कहता है कि दो जमा दो तीन. दूसरा टीचर कहता है दो जमा दो चार. तीसरा टीचर कहता है दो जमा दो छह. तो मैं ये उनसे पूछता हूं वो टीचर जो कहता है दो जमा जो तीन या दो जमा दो छह क्या आप उसको स्कूल में रखेंगे. तो वो कहते हैं नहीं. चू आप उसको पढ़ाने देंगे. बोलते नहीं पढ़ाने देंगे. क्यों नहीं देंगे. क्योंकि उसे मैथमेटिक्स का सही इल्म नहीं है. इसी तरीके से जहां दीन का सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान जानते हैं कि इन दीन इंदल्लाह इस्लाम सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 के आते कि सिर्फ एक ही सही दीन है वो वही इस्लाम. और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में क्या इस्लाम के अलावा कोई भी दिगर मजहब अल्लाह सुबहाना ताला कबूल नहीं करेंगे. तो दीन के मामले में हम जानते हैं इस्लाम ही सिर्फ सही दीन है. इसीलिए हम दूसरे दीन का प्रोपोगेशन अलाउ नहीं करते. जहां तक कि दूसरा सवाल है क्या हम चर्च बनाने देंगे या टेम्पल बनाने देंगे. जब दीन ही गलत है और चर्च में ईसा अलैहिस्सलाम को पूजना गलत है बुत परस्ती गलत है इसीलिए हम गलत चीज हमारे मुल्क में अलाउ नहीं करेंगे. लेकिन ये सिर्फ सऊदी अरेबिया और चंद ममालिक है सब सब मुस्लिम कंट्रीज को नहीं. ये थोड़ा सा ये थोड़ी सी बात जो है यानी वो तो समझ रहे हैं कि उनका मजहब ठीक है जी और हम भी समझ रहे हैं कि हमारा मजहब ठीक है. गैर मुस्लिम समझ रहे हैं उनका मजहब ठीक है. अब लोगों के सामने जाहिर है कि उनको आके एक समझ लीजिए बात जी मैथ्स के अंदर वो गैर मुसलमान 2+2=3 पढ़ाने देंगे ना अपने स्कूल में क्योंकि वो कन्फर्म्ड है कि 2+2=4 ये. तो दीनी के मामले में हम कन्फर्म नहीं. नो कन्फर्म नहीं. अगर वो कन्फर्म होते तो गलत चीज क्यों पढ़ाने देंगे. उसी तरीके से हम जब रूल कर रहे हैं कौन सी कंट्री हमें 100% पता है कि इस्लाम के अलावा दिगर मजाहिब सही नहीं है. यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स का मसला कोई ऐसी बात ह्यूमन राइट्स का सवाल नहीं. हाँ अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है मुस्लिम कंट्री में अपने घर में प्रॉब्लम प्रोपगेट नहीं कर सकता. इसी तरीके से कोई टीचर अपने दिमाग में सोचता है 2+2=3 तो प्रॉब्लम नहीं. बच्चे लोग को पढ़ाएंगे तो हम इसको बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं करेंगे कि हमारे बच्चों का पढ़ाओ 2+2=3. इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लोग माहिर है. हम साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए लोग को बुलाते हैं अमेरिका से यूरोप से आओ हमारे मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी में आप माहिर है हम आपसे सीखेंगे. लेकिन दीन के मामले में हम माहिर है अल्हम्दुलिल्लाह. तो इसी तरीके से जहां तक के उनका सवाल है उन्हें अभी तक के इतना दे आर नॉट कन्फर्म डेट सो वी आर ट्राइंग टू गेट देम टू द राइट पार्ट ऑफ इस्लाम देयरफॉर वी प्रोपगेट आवर रिलीजन टू द नॉन मुस्लिम्स. नाउ लेट्स एक्सपोज द एथियस्ट हिपोक्रेसी. As I said, the atheists are acting and they're saying, oh, the theists, the religious people, they're taking away our freedoms. Really? You know, I find it so rich that you atheists are the ones acting like you're the standard bearers of freedom. You know? Like you guys represent freedom. Like you guys are the one who are under attack. Hypocrites. Ladies and gentlemen, how many times do we see it in the news? How many times do we see atheists saying religion should have no place in society? How many times do we see them say that? How many times do we see them say religion should only be kept in the house, that you're not allowed to use it in society or in public?
just keep it at home. How many times do we hear that? How many times do we look in the news and we see atheists trying to remove God from everything? You know, when people say God bless or let's pray, the atheists say, no, 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 we should remove this. How many times do atheists do that? And these are the same people who are now claiming freedom is under attack. The very same people who often try to take the religious freedom away from theists. Imagine theists went up to atheists and said, you're only allowed to be an atheist and you're only allowed to spread your atheism at home. But when you're in public, no. Atheism is just for the house. Imagine we said that. They would go crazy. But yet that's exactly what they're doing. They're always saying, no, no, religion in the public? No way. Keep it at home. Remove God from this, remove God from that. God bless? No, 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 remove God. So you guys don't even dare try to talk about freedom. Hypocrites. Allah, O God, is all-knowing, all-powerful. So why did Allah, or God, create Shaitan, or Satan, while knowing even before creating Satan, what he's gonna do, and how he's gonna end up? Allah knew even before creating Shaitan that Shaitan would refuse to bow down to Adam and Eve, would deceive human beings, would cause human beings to go to hell, and etc., etc. Why did God create Shaitan while knowing all that? If it wasn't for Shaitan being created, nothing would have happened. All of the humanity would have been saved from hellfire. If Allah or God is the most merciful, the most kind, why creating certain human beings while knowing, even before creating them, that they would become non-believers and would go to hell and suffer for eternity to the point that they would even regret being born? And you can't blame Satan for it. And don't forget that Allah or God is all-knowing, all-powerful. Again, God knows all. He knows how a being gonna end up even before he creates them. If God doesn't know, he ain't supreme, but he's ignorant and none of the prophecies is going to become true, since he did not know anything. It's like he knew everything even before he created the universe. He knew how Satan's gonna end up, who's gonna go to hell, who's gonna go to heaven, and everything, even before he created the universe or anything at all. See, the God's knowledge is infinite. If it is for true believers to appreciate heaven, why sacrificing one human being to hell just so another would appreciate heaven, which is totally unfair? For the argument's sake, let's say that is for true believers to appreciate achieving heaven. That means the true believers require to see someone being tortured constantly. So why creating anybody anyways? I would personally respect the non-believer who was a good person but goes to hell for not believing in God, for he has done good for good itself. Don't forget that Shaitan was loved very much by Allah, and Shaitan would go to hell and suffer for eternity at the end. Also, Shaitan is the second most educated being in the universe, who knows Quran and who knows that he himself would burn in hell for what he did and what he's doing.